हेलो गाइस यार, वेलकम बैक। वापस एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में वापस से मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। और आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक बहुत ही ज्यादा कूल सा मॉडर्न हाउस। लेकिन जिससे पहले अगर वीडियो बने तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ को। ओके तो गाइस, सबसे पहले यार मैं आपको अपने वर्ल्ड का ट्यूर दे देता हूँ, क्योंकि यार मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है अपने वर्ल्ड में। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो वीट फार्म है वो पूरा का पूरा ग्रो हो चुका है। तो इसको भी अभी फिलहाल के लिए कट करेंगे। और मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा खाना भी खत्म हो चुका है। और इधर गाइस ऊपर मैंने थोड़ा बहुत एरिया फ्लैट किया है जहाँ पर कि मैं अपना घर बना सकता हूँ। और यहाँ पर मेरा एक नया फ्रेंड भी बनाया, तो उसका भी आप नाम कमेंट में बता देना। और यहाँ पर अभी के पास मेरे ये शेडल नहीं है, तो अभी मैं इसको चला नहीं सकता। तो सबसे पहले यार बाहर निकलते हैं और इसके लिए ना फ्यूचर में जरूर से एक बढ़िया सा हाउस बनाएंगे। और गाइस यार यहाँ पर पूरा का जो फूड है वो खत्म हो चुका है। तो सबसे पहले यार मैं इसको यहाँ पर कट कर लेता हूँ अपने पूरे पूरे फार्म को। ओके तो गाइस इतना करने के बाद यहाँ पर हो जाती है रात। तो सबसे पहले यार मैं सो जाता हूँ और इस नाइट को एकदम स्किप कर लेता हूँ और अपने लिए थोड़ी बहुत ब्रेड वगैरह बना लेता हूँ। और गाइस जो अपना कंपोस्टर है फिर उसको यहाँ पर मैं एकदम ऑटोमेटिक कर देता हूँ, जैसा कि मेरे को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना पड़े। और गाइस ना यहाँ पर मैं ऑफलाइन थोड़ा बहुत माइनिंग कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे को एक डायमंड दिखा था, तो आपके सामने मैं माइन करूंगा उसको। सबसे पहले यार नीचे चलते हैं। ओके यहाँ पर सामने था वो डायमंड, गाइस ये दिख रहा है गाइस। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि एक ही डायमंड है। हाँ गाइस ये एक ही डायमंड है, तो इसको उठा लेते हैं। और गाइस यहाँ पर मेरे को एडवांसमेंट भी मिल चुकी है और ये ज़्यादा दूर नहीं था, ये पास में ही था अपने। और यहाँ पर गाइस काफ़ी ज़्यादा जोम्बीज भी आ रहे हैं, तो फटाफट से यार मैं ऊपर चलता हूँ। ओके गाइस यार मैं बाहर तो आ गया, लेकिन यार बाहर यहाँ पर रात हो रही है और यहाँ पर मॉब्स भी मतलब मेरे को चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। तो फटाफट से यार मैं इनको मारता हूँ और अपने बेस पर जाके सो जाता हूँ। और गाइस यार इधर मैं जानवरों को मारने आया था, यहाँ पर मेरे पास खाना खत्म हो गया था। तो देखो गाइस यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है, लिटरली गाइस मेरे को एक विलेज मिल जाता है भाई साहब। गाइज मैं ऐसे रेंडमली यहाँ पर घूम रहा था, फिर रहा था, यहाँ पर खाना इकट्ठा कर रहा था और तभी यहाँ पर मेरे को यहाँ पर विलेज दिख जाता है। मतलब अपनी खाने की प्रॉब्लम एकदम दूर हो चुकी है। तो फटाफट से यार मैं अपनी यहाँ पर जितने भी हिबल्स दिख रही है तो उसको फटाफट से मैं यहाँ पर चुरा लेता हूँ। ओके तो इधर मैंने पूरे के पूरे विलेज को लूट लिया है। और यार गाइज यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब हिबल्स वगैरह मिल गए हैं। और यहाँ पर मैं वापस से अपने बेस की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर रात होने लगी अब। और वहाँ से मैंने एक बेड तो उठा लिया था ताकि यहाँ पर मैं यहाँ पर रास्ते में भी सो पाऊँ। तो फटाफट से यार मैं चलता हूँ अपने बेस के पास। और राइट यहाँ पर मैं अपने बेस के पास तो आ चुका हूँ। वैसे ज़्यादा दूर नहीं था, यहाँ पर बस एक पहाड़ी बीच में आती है। और यहाँ पर अपना पूरा का पूरा शुगर केन भी ग्रो हो चुका है, तो इसको भी मेरे को कट करना पड़ेगा ताकि यार मेरे को यहाँ पर वापस ये उग सके। और ना मेरे को बहुत सारी सैंड और ग्रेवल भी इकट्ठी करनी पड़ेगी। और व्हाइट डाइट का जुगाड़ तो मैंने ऑफलाइन में कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बोन मिल फार्म बनाया था इधर पास में, तो यार मेरे को वहाँ से व्हाइट डाई का तो मतलब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत सैंड और ग्रेवल का देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए काफ़ी सारा यहाँ पर फूड, क्योंकि यार कभी मेरे को कमी ना हो। तो एक स्टेक यार यहाँ पर ब्रेड काफ़ी है, अगर ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से बना लेंगे। और अपना फार्म भी तो यहाँ पर काम कर ही रहा है ना। तो यहाँ पर बचे हुए वीट को मैं वापस से अपने चेस्ट में रखता हूँ। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर बोन मिल तो मैंने काफ़ी सारे इकट्ठा कर लिया, ये अपने लिए इनफ है। और इधर के साइड ना एक पहाड़ी है जहाँ पर से मैं यहाँ पर ग्रेवल इकट्ठा कर सकता हूँ। जहाँ पर मेरे को स्पॉन मिल रहा है वहाँ पर काफ़ी सारा ग्रेवल है, तो वहाँ से मैं इकट्ठा करता हूँ और चलते हैं फटाफट से उसी पहाड़ी के पास में। ओके तो सामने मेरे को काफ़ी सारा यहाँ पर ग्रेवल दिख रहा है। और गाइस यहाँ पर मैं इसी पहाड़ी की बात कर रहा था, तो यहाँ पर बिना किसी बकवास के मैं यहाँ से जो ग्रेवल है जितना ज़्यादा हो सके वहाँ से मैं उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपना काम को स्टार्ट करता हूँ। और आई थिंक मैं यहाँ पर 4 स्टेक के आसपास यहाँ पर मैं लूँगा, तो यहाँ से फटाफट से मैं उठा लेता हूँ। और इधर ही पास में गाइस यहाँ पर सामने सैंड वाली बायोम भी है, तो यहाँ से मैं फटाफट से बहुत सारी सैंड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर सैंड और ग्रेवल इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने लिए एक वाइट डाई बना लेता हूँ। और यार काफ़ी सारे यहाँ पर कॉन्क्रीट बना लेता हूँ। और इस कॉन्क्रीट जो पाउडर है उसको मैं यहाँ पर कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ डायरेक्ट। और राइट गाइज यहाँ पर फाइनली मैंने यहाँ पर इसको पूरे कॉन्क्रीट में यहाँ पर बना लिया है। देख सकते हो यार गाइज ये इतना मेरे हिसाब से इनफ होगा। और यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत वुड भी यहाँ पर लगेगा उस हाउस को बनाने में। तो सबसे पहले यार मैं एक चेस्ट ले लेता हूँ और अब जो कंस्ट्रक्शन जो साइड है वहाँ पर मैं यहाँ पर इस पूरे आइटम्स वगैरह को रख देता हूँ। और काफ़ी सारे गाइज यहाँ पर मैं सैंड को स्मेल्ट करने लगा देता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर ग्लास मिल सके। और यार ग्लास यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं और ब्लैक वाले ग्लास यहाँ पर यूज होने वाले हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर मैंने काफी सारा यहाँ पर ग्लास कलेक्ट कर लिया है, जैसा कि आपको मेरे इन्वेंटरी में दिख रहा होगा। और यार ये गाइज ग्लास कम पड़ेंगे तो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत और स्मेल्ट कराने लगा देता हूँ वहाँ पर। और गाइज यार उस हाउस को बनाने के लिए यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत यहाँ पर वुड भी लगने वाला है, ज्यादा नहीं गाइज थोड़ा बहुत मेरे को वुड लगने वाला है। तो उसको यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर जो ट्रीज है वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको डायरेक्ट।
ओके तो गाइस फाइनली यार मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत वुड वगैरह भी कलेक्ट कर लिया है, और यार यहाँ पर मेरे काफी सारे यहाँ पर जो मटेरियल बनने वाला है अपने घर का वो भी मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा जितना भी शुगर केन वगैरह और जो मेरी वीट वगैरह ग्रो हो चुकी थी उसको यहाँ पर मैंने कट कर लिया, और उससे गाइस मेरे को यहाँ पर इतना कुछ यहाँ पर शुगर केन मिल गया है जैसा कि आपको यहाँ पर मेरे चेस्ट में दिख रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर अब मैं जब तक के लिए घर बनाऊंगा तब तक के लिए वापस से यहाँ पर उग जाएगा, तो अपना यहाँ पर फायदा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो अपने घर की बाउंड्री होने वाली उसको यहाँ पर बना लिया है, फटाफट से यार मैं इसको फिल करता हूँ। ओके यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर पूरा का पूरा फिल भी कर लिया है। अब मुझे यहाँ पर 5-5 ब्लॉक की इसकी वॉल बनानी है, तो उसे भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ऑल राइट गाइज यहाँ पर मैंने यहाँ पर इतना कुछ यहाँ पर बना लिया है, और ये ना एकदम बढ़िया कूल सा लगने वाला है जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा कॉन्क्रीट खत्म हो गया था इसलिए यहाँ पर मैं नीचे आया था, तो फटाफट से यार मैं अपना कॉन्क्रीट ले लेता हूँ और फिर वापस से इस घर को बनाना कंटिन्यू करता हूँ। और गाइज यार ये जो इस घर की जो फर्श है यार मेरे को थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर दिख रही है, तो यार मैं इसको फटाफट से यहाँ पर तोड़ लेता हूँ और इसको मतलब एक एक जमीन के अंदर मैं घुसा देता हूँ। समझ रहे हो ना, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको। ऑल राइट यार मैंने इसे भी कर दिया है, अब देख सकते हो यार ये काफी ज्यादा कूल सा लग रहा है। और अब मुझे ना इसका एक एक और फ्लोर बनाने ऊपर की साइड में, तो सबसे पहले यार मैं अपना थोड़ा बहुत कॉन्क्रीट वगैरह अपने चेयर से ले लेता हूँ और वापस से ऊपर बनाना कंटिन्यू करता हूँ। और गाइस यार यहाँ पर घर बनाते बनाते रात हो जाती है, तो सबसे पहले यार मैं यहाँ पर सो जाता हूँ, क्योंकि यार रात को काम करने में बहुत ही ज्यादा मेरे को कठिनाई होगी, यहाँ पर मॉब्स वगैरह आएंगे और मेरे को मारेंगे। और गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरा आधा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मतलब अभी दिखने में थोड़ा बहुत ज्यादा कूल नहीं लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेल्स वगैरह बाकी है, तो ये दिखने में एकदम यहाँ पर टू जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन यार इसके अंदर अभी ग्लास एड होना बाकी है। और अब ना मैं डायरेक्ट आपको मिलने वाला हूँ पूरा का पूरा घर बनाने के बाद में। ओके तो गाइस यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा घर बनकर एकदम रेडी हो चुका है, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत डिजाइन यहाँ पर इसका चेंज कर दिया है। और अब ना मैं अपने घर के अंदर बेड लगाने वाला हूँ, और अब की जो रात होगी वो मैं वहीं पर यहाँ पर गुजारने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत दिख गया होगा, लेकिन यार एकदम से आप देख सकते हो गाइस एकदम यार लिटरली काफी कूल सा दिख रहा है मेरे को। सबसे पहले इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का थोड़ा बहुत डेकोरेट वगैरह कर देता हूँ। और लाइट गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत तो मतलब बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं किया अपने घर को, क्योंकि यार मेरे पास अभी इतना मटेरियल नहीं है। इसको गाइस यहाँ पर मैं मतलब ऑफलाइन कर दूंगा, और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैंने अपने लिए एक यहाँ पर सीढ़ियाँ बना ली है जो कि यहाँ पर गदत लग गई, इसको फटाफट से यहाँ पर तोड़ते हैं। और गाइस यार अभी तक आप वीडियो देख रहे हो उसका मतलब आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी मतलब थोड़ी बहुत तो क्या बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस वाली वीडियो को लाइक टारगेट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 15 लाइक का, तो प्लीज यार कंप्लीट करा देना। और गाइस देखो भाई कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये घर, तो यार इसके लिए तो ज्यादा नहीं एक लाइक तो बनता ही है, और अपने हॉर्स का नाम आप कमेंट करना जरूर। और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे क्या करना चाहिए आप प्लीज यार कमेंट में बता देना। और गाइस यार डायमंड माइनिंग तो मैं ऑफलाइन में करने वाला हूँ, क्योंकि यार बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम होने वाला है, तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करने वाला। और क्लिप जो होती है ना डायमंड माइनिंग की मैं आपको बता दूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।